वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। रावण ने कोई बहुत बड़ा पाप तो नहीं किया कि वो सीता को ले गया ना, लेकिन कभी भी उस सीता को उसने कलंकित नहीं किया दोस्त। ये है राजस्थान बीजेपी के नेता गुलाब चंद कटारिया। एक कार्यक्रम में गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि रावण ने सीता जी का हरण कर कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किया था, क्योंकि उसने सीता को कभी कलंकित नहीं किया। जब तक सीता ने स्वीकृति नहीं दी तब तक छुआ नहीं। अब क्या था, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी पर हमला करने के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस नेता और अशोक सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुलाब चंद कटारिया पर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मुझे बड़ा दुख और बड़ा आश्चर्य की बात है कि भाजपा के सीनियर लीडर गुलाब चंद जी कटारिया ने जिस तरह से रावण भक्ति को लेकर रावण की तारीफ की है, उससे एक बात साबित हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और खुद कटारिया जी, इन्होंने अपनी सोच दर्शा दी। ये राम भक्त नहीं है, रावण भक्त है। ये हमारी माता सीता के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो माफी योग्य नहीं है। इससे बड़ा पाप आप कुछ नहीं कर सकते कटारिया जी, कमाल कर दिया आपने। तुम आप कह रहे हैं कि रावण ने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ माता सीता का अपहरण किया था, उनके हाथ तक नहीं लगाया, हाथ लगा नहीं सकता था रावण। रावण हाथ लगाने की कोशिश भी करता तो जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि सीता मैया खुद अवतार के रूप में अवतरित हुई थी और सीता मैया भगवान राम की पत्नी थी। तो ऐसे में रावण चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। आप रावण की तारीफ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप रावण से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, आप रावण भक्त हैं। तो आपने कभी रामायण पढ़ी नहीं। मैं आज कह रहा हूं कटारिया जी, आपकी जिस तरह की भाषा आप लगातार बोल रहे हैं, आप पहले महाराणा प्रताप के ऊपर बोले, आपने जो भी कहना था उल्टा सुल्टा कह दिया, अब आप भगवान राम के ऊपर आ गए। आप भगवान राम के सगे नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो दया के, सच्चाई के, विनम्रता के पात्र हैं, जो जन कल्याण और विकास के जरिए राम राज्य की कल्पना जिन्होंने की थी, जिनको पूरी दुनिया अपना आदर्श मानती है, जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे भगवान राम के लिए इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। बता दें कि पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर ने गुलाब चंद कटारिया के बयान के विरोधी उदयपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भिंडर का कहना है कि अब हमें समझ में आने लगा है कटारिया हिंदू या मेवाड़ी नहीं है, वो श्रीलंका से आए हैं, अब उन्हें वही भेज देना चाहिए जिसे वो अपने आदर्श पुरुष रावण से मिल सके। भिंडर ने कहा है कि इस मुद्दे पर संघ के साथ भाजपा को सोचना होगा। तो ये थी गुलाब चंद कटारिया के बयान पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।